सांसद रितेश पांडे ने बताया दिल का हाल। रितेश पांडे के दिल पर कैथरीना का राज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। यूपी के युवा सांसद रितेश पांडे इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर हाल है दिल बयां कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। जी हां, उनके दिल की बात जुबां पर आ गई है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर सांसद बने रितेश पांडे ने फेसबुक पर अपनी होने वाली दुल्हन का खुलासा कर दिया है। माना जा रहा है कि रितेश पांडे जल्द ही ब्रिटेन की कैथरीना के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कैथरीना साइकोलॉजी में PhD कर रही हैं। कैथरीना के पिता इंग्लैंड में डॉक्टर हैं। रितेश भी विदेश में पले बड़े हैं। विवाह में कोरोना महामारी की अड़चन बताते हुए युवा सांसद ने फेसबुक पर शुभचिंतकों से आशीर्वाद मांगा है। चर्चा है कि रितेश और कैथरीना एक दूसरे को कई साल से जानते हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि रितेश कैथरीना से कब और कहां पहली बार मिले। आपको बता दें कि रितेश पांडे पूर्वांचल के दिग्गज ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिता राकेश पांडे पूर्व सांसद और विधायक भी रहे हैं। चाचा पवन पांडे विधायक को कौन नहीं जानता है, वो भी विधायक रह चुके हैं। दूसरे चाचा कृष्ण कुमार उर्फ कक्कू पांडे का भी जलवा है। भाई पिस्टल पांडे की दिल्ली के 5 सितारा होटल में दबंगई तो पूरे देश ने देखी थी। रितेश 2017 में पिता के जलालपुर सीट से बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे और 2019 में बसपा के ही टिकट पर सांसद बने। रितेश पांडे अच्छे वक्ता भी हैं। यही वजह है जो मायावती ने उन्हें लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता संसदीय दल बनाया है। सियासत में तेजी से उभरे रितेश पांडे का फैसला इस बात का सबूत है उनमें कुछ अलग करने का दम खम है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति में नेता की निजी जिंदगी ही उसका राजनीतिक भविष्य तय करती है। उसके डर से नेता समाज के बंधनों में मजबूरन बंधा रहता है, लेकिन रितेश ने प्यार और राजनीति में नो कॉम्प्रोमाइज का फैसला कर दिखाया है। NDTV भारत भी हाल दिल बयां करने पर सांसद रितेश पांडे को बधाई देता है और उनके फैसले का स्वागत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।